शक्तिपीठ अथवा सिद्धपीठ ऐसे पावन तीर्थ स्थल हैं जहां शक्ति रूपा देवी का निवास है। सुरकंडा देवी मंदिर ऐसे ही एक शक्तिपीठ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। उत्तराखंड रोचक तथ्य सीरीज के इस खास एपिसोड में आज हम जानेंगे सुरकंडा देवी मंदिर के बारे में। सुरकंडा देवी मंदिर उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित जौनपुर के सुरकट पर्वत पर धनोल्टी और कानाताल के बीच में घने जंगलों से घिरा हुआ पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित माँ दुर्गा को समर्पित एक भव्य मंदिर है, जो नौ देवियों के रूप में से एक है। यह भव्य मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस पवित्र और सुंदर मंदिर की उत्तर दिशा में श्रद्धालुओं को आकर्षित करने वाला हिमालय का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। सुरकंडा देवी मंदिर परिसर से सामने स्थित बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री चारों धामों की पहाड़ियां नजर आती है, जो इस पवित्र स्थान को और अधिक सुंदर बनाती है। कहा जाता है कि माँ का मायका चंबा के जड़धार गांव में है और यही लोग मंदिर की पूरी व्यवस्था करते हैं एवं विभिन्न अवसरों पर माँ की पूजा अर्चना किया करते हैं। इस पवित्र और भव्य मंदिर का उल्लेख केदारखंड और स्कंद पुराण में भी मिलता है। इस मंदिर में देवी काली की मूर्ति भी स्थापित है। गंगा दशहरे और नवरात्रों में माँ के द्वार पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं की झोली भर जाती है। यही कारण है कि यहाँ नवरात्रों और गंगा दशहरे के मौके पर हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ती है। आइए जानते हैं माता सुरकंडा देवी से जुड़ी कहानी। यह कहानी सतयुग की है, जब ब्रह्मा पुत्र प्रजापति राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। इस महायज्ञ में उन्होंने देवादेव महादेव और आदिशक्ति माँ सती के अलावा अन्य सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया था। सभी देवी देवताओं को यज्ञ स्थान कनखल में जाते देख सती का मन भी बहल उठा। उनके दिल में वहां जाने की तरंग जाग गई और वह भोलेनाथ से यह मंत्रणा करने लगी कि वह तो मेरा स्वयं का घर है, हमें वहां जाने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, हम वहां बिना निमंत्रण के भी जा सकते हैं। परंतु भगवान शंकर ने माँ सती को यह कहकर कि बिना निमंत्रण के वहां जाना हमारे लिए उचित नहीं होगा, मैं तुम्हें वहां जाने की अनुमति नहीं दे सकता, यह कहकर भगवान भोलेनाथ ध्यानमग्न हो गए। परंतु देवी सती पितृ मोह में अपने परमेश्वर के मना करने पर भी यज्ञ स्थान कनखल को चल बसी, जहां उनकी माता देवी प्रसूति के अतिरिक्त उनका स्वागत किसी ने नहीं किया। इसी के साथ वहां भगवान शिव तथा देवी सती के अतिरिक्त सभी देवी देवताओं का स्थान था। जब सती ने अपने पिता से महादेव का स्थान न होने का कारण पूछा तो उनके पिता ने उन्हें तथा उनके पति को अपमानजनक शब्द सुना डाले और देवी सती अपने पति का अपमान सहन न कर पाई और वह यज्ञ कुंड में कूद गई तथा स्वयं की ऊर्जा से ही खुद को भस्म कर दिया। महादेव को जब यह बात पता चली तो उन्होंने रुद्र रूप धारण कर लिया और माँ का पार्थिव शरीर त्रिशूल में उठाकर ब्रह्मांड में भ्रमण करने लगे, जिससे पूरी सृष्टि में प्रलय जैसी स्थिति आ गई। तभी देवी देवता भगवान शिव को शांत करने के लिए सृष्टि पालक भगवान विष्णु के पास गए। इससे सच्चिदानंद भगवान विष्णु ने माता सती के पार्थिव शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से 51 भागों में विभाजित कर दिया। जो भाग जिस स्थान पर गिरे वे शक्तिपीठ अथवा सिद्धपीठ कहलाए, जिसमें देवी सती का सिर इस पवित्र स्थान पर गिरा, इसलिए इस जगह को सुरकंडा कहा जाता है तथा इस मंदिर का नाम श्री सुरकंडा देवी मंदिर पड़ा, जिसका उल्लेख स्कंद पुराण तथा केदारखंड में भी मिलता है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपने जाना माँ सुरकंडा देवी के बारे में। आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, जाइए कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, लिखिए अगली वीडियो आपके पसंद की आने वाली। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों के इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल न भूलें, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय समय मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।